हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के 38 गांव की पंचायतों ने नगर निगम में शामिल होने से इनकार कर दिया है और इसको लेकर गुरुग्राम के वजीरपुर गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें 38 गांव के पंच, सरपंच और गांव की सरदारी समेत काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की और सभी ने एक ही सुर में नगर निगम में शामिल होने से मना कर दिया। देखिए रिपोर्ट। जो गांव नगर निगम में शामिल होता है उससे विकास की दौड़ में बाकी गांव से आगे माना जाता है, लेकिन गुरुग्राम के 38 गांव को लगता है कि अगर वो नगर निगम में शामिल हो जाएंगे तो उनके गांव में विकास का पहिया थम जाएगा। बजाय इसके लिए नगर निगम में शामिल न होने को लेकर 38 गांव के मौजूद लोगों की एक पंचायत हुई जिसमें सभी ने नगर निगम में शामिल होने से इनकार कर दिया। गाँव के लोगों का कहना है कि गाँव के अरबों की संपत्ति पर निगम की निगाह है और निगम में 38 गांव जाने के बाद ग्रामीणों पर टैक्स की मार पड़ेगी, साथ ही अधिकारियों के हाथ में विकास की चाबी भी आ जाएगी। अगर ये नगर निगम में चले जाएंगे तो नगर निगम में जाने के बाद तो आप ये मान के चलो कि एक सरकारी अफसर के हाथ में हो गया। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, नगर निगम में जब गाँव चले जाएंगे जाने के बाद जो लालडोरा है, लालडोरे से बाहर नगर निगम काम नहीं करता। और आज के दिन 80% आबादी जो है, जितने भी गांव बसे हैं उनकी 80% आबादी जो है उससे बाहर है लालडोरे। अगर लालडोरे से बाहर है तो एकदम नरक बन जाएंगे, उसमें वो काम कराएगा नहीं, लोग फिर तो लड़ लड़ के मर जाएंगे, मेरा काम नहीं होता, मेरा काम नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और इसलिए ये लोग जितने हैं ये विरोध कर रहे हैं या लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। में इस टाइम जो है 60 करोड़ के करीब रुपए हैं, फिर 27-28 करोड़ नए गांव पंचायत में, 30 करोड़ के लगभग, और बाकी अंदाजन अरबों रुपया है जो इन 38 गांवों में है। जमीन काफी है और किसी एक के हाथ में चला जाना जिसपे वो आदमी डिसीजन ना ले सके तो उससे क्या फायदा नगर निगम का। ये नगर निगम की पॉलिसी लाते जरूर है लेकिन नगर निगम की प्रॉपर तरीका से इन पर जब साधन ही नहीं है तो फिर क्यों दुखी कर रहे हैं, अभी चला लें इसे ऐसे ही। वहीं इस पूरे मामले पर गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरलाल यादव ने कहा कि सभी सरपंचों ने इसका विरोध किया क्योंकि नगर निगम पहले ही शहर में विकास नहीं करा पा रहा है तो जो गांव शामिल होंगे उनका विकास कैसे होगा। निगम के गांव की क्या व्यवस्था है और पंचायत जो काम करा रही है उनकी क्या व्यवस्था है। बुरे हालात है भाई साहब, निगम के जो पुराना क्षेत्र है उन्हीं गाँव का भी विकास नहीं हो पा रहा तो नए दायरे बढ़ाने की भी जरूरत क्या है सरकार को, क्योंकि अभी जो स्थिति है जो ये 38 गांव है ये बहुत बड़ी टेरिटरी है। लगभग इस टेरिटरी में अगर इसकी हम जनसंख्या के आधार पर काउंटिंग करेंगे 3 लाख से ज़्यादा की आबादी हो जाएगी। तो जो पुराना जो निगम का दायरा है उसी की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए हैं अभी तक। नया दायरा बढ़ाने की पता नहीं क्यों सरकार को जल्दी लगी हुई है। हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं भाई इस दायरे को ना बढ़ाकर इस क्षेत्र को अभी पंचायत के अधीन ही रखा जाए। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम हरियाणा का सबसे बड़ा खजाने वाला निगम है और इसका वार्षिक बजट भी शहर के विकास कार्यों में खर्च करने का लगभग 1700 करोड़ रुपए का है। ऐसे में अब नगर निगम 38 और गांव को शामिल करने जा रहा है जिसके चलते सरपंच समेत अब गांव के मौजूद लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर एक कमेटी भी गठित की गई जिसमें ये कमेटी डिप्टी कमिश्नर अमित खत्री को जल्द ज्ञापन सौंपेगी और जल्द ही मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मिलकर इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय राठौर की।